का मदरबोर्ड लेके आया हूँ जो आज के टाइम पे वो ये ऐसे मदरबोर्ड मिलते नहीं हैं। ये मदरबोर्ड हम जब लगाया करते थे जब मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक में कांटे आना चालू हुए थे, तो इस मदरबोर्ड की साइज थोड़ी बड़ी होती थी और उसकी जो डिस्प्ले थे डिस्प्ले भी अलग ही होती थी और पावर सप्लाई भी अलग ही होती थी। तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। उसको हम जनता गार्ड के नाम से बोलते थे उस जमाने में। तो चलिए, इससे पहले मैं चाहूँगा प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, ये कार्ड आया करते थे जिन्हें हम रिप्लेस करते थे, इनको हम जनता कार्ड के नाम से बोलते थे पहले। अभी तो शायद ये देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी हमारे पास कई पीस पड़े हुए हैं जो मतलब कई ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको यही कार्ड डलवाना होता है, तो वो आज भी डलवाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी जो आईसियाँ हैं, हमारे पास आज भी इसकी आईसियाँ खराब होती थी तो हम चेंज करते थे। इसकी आईसियाँ हमारे पास अभी भी स्टॉक में बहुत सारी मिल सकती है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो ये आईसियाँ हमारे पास स्टॉक में बहुत सारी मिल जाएगी। और इसकी डिस्प्ले देखिए, इस टाइप की डिस्प्ले आती थी, आप पीछे देखिए कंपोनेंट वगैरह भी होते थे, ट्रांजिस्टर वगैरह रेजिस्टेंस ये होते थे। हम इनका डेसिमल चेंज करने के लिए इसमें जम्फर का इस्तेमाल किया करते थे। अभी शायद हमने भी वो काफ़ी टाइम बाद में देखी है, तो मेरे को ध्यान आया तो मैंने कहा इसकी वीडियो बनाई जाए। तो देखिए, ये बहुत अच्छा कार्ड हुआ करता था। तो इसमें कैलिब्रेशन कैसे किया करते थे हम, शायद बटन से, कभी कुछ बटन से हमने कैलिब्रेशन किया नहीं इसमें, शायद हमने कैलिब्रेशन इस पोटेंशियोमीटर से ही किया करते होंगे हम। ये काफ़ी टाइम बाद हाथ में आया तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा वीडियो बनाई जाए। तो देखिए, इसमें हम इस पोटेंशियोमीटर से कैलिब्रेट किया करते थे। यदि अभी भी मेरे को कई बार मिलेगा इस टाइप का इंडिकेटर या कोई मशीन मिलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो कई लोग आज भी इसकी मांग करते हैं, ये इसके यहाँ पे लोड सेल कनेक्ट हुआ करते थे, लोड सेल वायर, ये डिस्प्ले है इसकी। और इसकी डिस्प्ले बड़ी प्यारी होती थी, काफ़ी कंपोनेंट होते थे उसमें। तो ये देखिए, और आईसियाँ देखिए आप, आईसियाँ आज भी हमारे पास स्टॉक में बहुत सारी मिल जाएगी, कैपेसिटर वगैरह ये देखिए, सारे आइटम बड़े बड़े हुआ करते थे। तो ये थी मेरी वीडियो, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा और अच्छी मेंटेनेंस के बारे में दिखाऊंगा और आपको टोटल डेसिमल के बारे में, हर चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू।